नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जीनियस बायो में। सो दोस्तों, अक्सर आप सभी लोग सोचते होंगे कि सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दे तो इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी और सभी लोग अमीर हो जाएंगे। और यही सोचकर एक बार जिम्बाब्वे देश की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि वो अनलिमिटेड पैसा छाप कर अपने सारे कर्जे चुका देंगे और सारा देश ही अमीर कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो आप उस समय की इस तस्वीर को देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां पर तो बच्चा बच्चा अमीर हो गया होगा, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि ये बच्चा इतने सारे पैसे सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए ले जा रहा है। यानी कि उसके बाद वहां पर एक ब्रेड का पैकेट ही इतना महंगा हो गया कि वहां पर छापे गए नोट किसी काम के न रहे। इसका मतलब साफ है दोस्तों, अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छापने लग गई तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई बढ़ना, और तो और उन पैसों की कोई वैल्यू भी नहीं करेगा। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पैसों को सरकार छापती कैसे है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सरकार कैसे इन पैसों को छापती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन के बड़े बड़े बंडल आते हैं और फिर इन कॉटन के बंडल्स को अच्छे से मैश कर दिया जाता है। पेपर मैश होने के बाद उस कॉटन को पहले पेपर और पानी के ड्रम में फेंका जाता है ताकि इनसे बनने वाले नोटों में जान आ जाए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, और उसमें से सारे पानी को निकालने के बाद उसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि उस मिक्सचर को दबा दबा कर पेपर बना देता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडियन करेंसी में गांधी जी का वाटरमार्क होता है और यही वाटरमार्क करेंसी को बनाने में सबसे पहले लगाया जाता है। अब एक तरफ मशीन में पेपर पर वाटरमार्क चढ़ता रहता है और दूसरी तरफ वही पेपर का रोल बनता रहता है, और उसी पेपर रोल में से पेपर का सैंपल इंस्पेक्शन टीम ले जाती है ये चेक करने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो रही। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि नोटों में होलोग्राम लगी होती है, ये होलोग्राम भी वाटर मार्क के बाद नोटों पर लगा दी जाती है। अब इसके बाद पेपर का विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है, जिससे क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करते हैं कि वाटर मार्क और होलोग्राम सही से लगा है या नहीं, और फिर पेपर रोल को मशीन पर लगाया जाता है जो कि उस रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अब इसके बाद इन कटिंग रोल्स को प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है, फिर वर्कर उन पेपर को उठाकर प्रिंटिंग मशीन में डालते हैं और प्रिंटिंग मशीन एक एक करके उन पेपर को आगे भेजती रहती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रिंटिंग सेक्शन में भी नोट तीन सेक्शन से होकर गुजरते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि नोटों में कलर लगे होते हैं, मशीन में ये कलर भी वर्कर द्वारा लगाए जाते हैं। अब इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि करेंसी पर लगा कलर कहीं ज्यादा डार्क या ज्यादा लाइट तो नहीं हो गया, और इस प्रोसेस के बाद नोट जाते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। अब जैसे कि इस नोट में 200 लिखा है और इसे हम अलग अलग एंगल से देखें तो हमें अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, तो ये वाली प्रिंटिंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में ही की जाती है। और अब आती है लास्ट प्रिंटिंग, जिसे इंटेग्लियो प्रिंटिंग कहते हैं। इस प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट किए जाते हैं। इसके बाद नोटों को कटिंग मशीन में रखा जाता है जिसमें नोटों को प्रॉपर साइज में काट दिया जाता है और फिर नोटों को पैक करके अलग अलग बैंकों में भेज दिया जाता है, और जो नोट यहाँ पर खराब हो जाते हैं उन्हें आगे RBI के पास भेज दिया जाता है, और उसके बाद कटिंग करा के दोबारा उतने ही नोट छपा दिए जाते हैं। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कौन तय करता है कि रुपए पर किसकी तस्वीर लगेगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक रुपए को छोड़कर सभी नोट RBI छापता है, जबकि एक रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा छापा जाता है। सो गाइज, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।